पीयूबी और टीवी पहुंच गया है सीरियल विघ्नहर्ता गणेशा के सेट पर, जहां मां लक्ष्मी विघ्नहर्ता गणेशा की भक्ति में लीन है। दरअसल समुद्र मंथन से पहले सभी देव प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा करना भूल गए थे और आज मां लक्ष्मी अपनी भक्ति से रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश को खुश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके पीछे भी एक और खास वजह है। दरअसल माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का विवाह होने वाला है और इस शुभ कार्य की शुरुआत से पहले ही माँ लक्ष्मी सुखकर्ता गणेश से आशीर्वाद मांग रही है। प्रथम पुत्र गणेश जी का आवाहन और पूजा किए बिना मैं विवाहित सज्जित होना कैसे आरंभ कर सकती हूँ। तो बेसिकली इसकी बैक स्टोरी ये है कि जो देवता हैं वो सब एक कार्य पे निकले हैं और उन्होंने गणेश जी की पूजा नहीं की है। जो विघ्नहर्ता गणेश है तो लक्ष्मी जी की विष्णु जी के साथ शादी होने जा रही है, तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान है कि गणेश जी विघ्नहर्ते हैं, तो मेरी शादी में कोई विघ्न ना आए। तो वो गणेश जी की जो मूर्ति है उसे हल्दी से कुट बनाती हैं और उन्हें फल अर्पण करती हैं, चंदन अर्पण करती हैं और हार और वस्त्र अर्पण करके पूरी अच्छे से उनकी पूजा करती हैं कि वो खुश रहें, उनके साथ रहें और कोई विघ्न ना आए। तो वो सब आप लोगों ने देखा। बप्पा की भक्ति में डूबकर उनके सुंदर मनमोहक रूप का स्मरण कर माँ लक्ष्मी हल्दी से बनाती हैं बप्पा की सुंदर मूर्ति और करती हैं श्रद्धा के साथ मंगल मूर्ति की पूजा। माँ लक्ष्मी की भक्ति देखकर बप्पा भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी को दर्शन देते हैं। माता लक्ष्मी विघ्नहर्ता को वस्त्र फल फूल की भेंट देती है। तभी वहाँ आती है त्रिदेवियाँ जो लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने आई है। दरअसल माँ लक्ष्मी को श्री हरि के साथ विवाह के लिए तैयार होना है और आज माँ पार्वती के पास है माँ लक्ष्मी का श्रृंगार करने की जिम्मेदारी। तो अब फाइनली वो आई है कि आप चलिए, वो सब रेडी है और वो कह रही है कि आप इतना पूजा में खो गए हो कि आपकी शादी है, आपको तैयार होना है, तो आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे लेने आई है मेरे रूम में, मुझे ढूंढ ढूंढ के कि आप यहाँ हो, आपको कब से ढूंढ रहे हैं, कि आप चलिए अब आपके तैयार होने की। सीरियल विघ्नहर्ता में जल्द ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के विवाह का अद्भुत नजारा और उसके पीछे छिपी कथा को देखने का मौका मिलेगा, जिसकी पहली झलक यूमी और टीवी आपको जल्द ही दिखाएगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।